हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 11 और मैं भी हूँ घर के बाहर और अभी कपड़े वगैरह धो करके सूखने के लिए रख रखे हैं। तो फ्रेंड्स, कल काफ़ी आंधी तूफान हुई थी जिस वजह से आज गर्मी थोड़ी कम हो रही है। अब अंदर चलते हैं, करते हैं बाकी का काम। आज सही हो गया, मौसम थोड़ा ठीक है। सो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं और बाहर के काम भी निपटा दिए, अंदर के काम भी निपटा दिए, तो अब सारा काम कम्प्लीट हो चुका है लगभग। तो अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना टेलरिंग का काम करना, बिकॉज मैंने ये सूट वगैरह पूरा सी दिया था, बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी थी। तो अब इसके हाथ के बाजू ही रह गए हैं, तो हाथ का बाजू भी बना देते हैं, उसके बाद ये सूट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हाथ के बाजू सिलना। सो फ्रेंड्स, रेडी है एक बाजू बनकर, अब दूसरा वाला बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी है बनकर हाथ के बाजू। बस अब तुरपन बनाना बाकी रह गया और तुरपन तो करेंगे हाथ से। तो आप संभाल देते हैं मशीन वगैरह, बिकॉज अब करेंगे तुरपन हाथों से ही। सो फ्रेंड्स, तैयार है बनकर सूट। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 3:00 और हम लोग भी लंच करके आ चुके हैं बाहर। मम्मी तोड़ रहे हैं आड़ू, बिकॉज भाभी आ रखे हैं तो, और वो लेकर के आ रखे हैं पीसा हुआ नमक। तो अभी हम लोग तोड़ते हैं आड़ू और आड़ू काट करके नमक के साथ खाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी और भाभी लगे हुए हैं आड़ू छीलकर नमक के साथ खाने में, और ये बैठा हुआ है आदि। आदि को देखो कितना गर्म लग रहा है। आदि गर्म हो रहा है, वो देखो आदि को। जिम करता है, बड़ी बॉडी शोडी बनी, बिना डंबल के ये जिम करता है। तो चलो हम लोग अब खाते हैं आड़ू, बिकॉज मम्मी ने और भाभी ने तो काट दिया है आड़ू, और भाभी तो ला रखे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास पीसा हुआ नमक। मम्मी को काफ आउट की याद आ गई। क्या वो खट्टा हो रहा है क्या? ये पीसा हुआ नमक है, इसमें हल्दी, मिर्ची, लहसुन सब होता है, धनिया। सो फ्रेंड्स, आड़ू वगैरह भी खा लिया है और अब हो चुका है मेरा भी ट्यूशन पढ़ाने का टाइम। तो चलूँगी अपने कमरे में और पढ़ाऊँगी बच्चों को ट्यूशन, बिकॉज बच्चे भी आ चुके हैं ट्यूशन। तो चलते हैं कमरे में और पढ़ाते हैं बच्चों को ट्यूशन। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 6:00 और मैं भी आ गई हूँ छत में। सुबह धोकर रखे थे कपड़े छत में सूखने के लिए, तो अभी ले चलते हैं इनको नीचे। दिन भर में याद ही नहीं रहा, कपड़े धूप से जल गए, क्योंकि मोस्टली मैं कपड़े धो करके घर के बाहर ही सुखाने के लिए रख देती हूँ, तो छत में की याद नहीं रहती है। तो अभी ले चलते हैं कपड़े। सो फ्रेंड्स, मम्मी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है रात का डिनर बनाने के लिए। तो अभी मम्मी पीस रहे हैं मसाले, और मसाले में मम्मी ने रखा है जीरा, मिर्ची और लहसुन। आज मम्मी बनाने वाले हैं आलू की सब्जी, तो मम्मी उसके लिए सिलबट्टे में पीस रहे हैं सारे मसाले। सो फ्रेंड्स, रेडी है मसाला पीस कर। सो फ्रेंड्स, रेडी है कट कर प्याज, टमाटर, आलू और न्यूट्रेला। तो फ्रेंड्स, रेडी है प्याज, टमाटर और सब्जी कट कर। तो अब करते हैं सब्जी बनाना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो अब जीरे का तड़का लगा दे रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये वो पीसा हुआ मसाला है। तो फ्रेंड्स अब थोड़े देर के लिए इसको पकने देंगे। लगभग तैयार है हम लोगों की भी सब्जी बनकर। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसमें और थोड़े देर के लिए ढक रख कर पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स रेडी है बनकर आलू और न्यूट्रेला की सब्जी। अब रोटी बनाएंगे थोड़े देर में। सो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं रात के 8 और हम लोग भी आ गए हैं फिर से किचन में और मम्मी बनाने लग गए हैं रोटी। सब्जी तो ऑलरेडी बना दिया था और अब बना रहे हैं रोटी। सो फ्रेंड्स रेडी है बनकर हम लोगों की रोटी और सब्जी तो पहले ही बना दिया था तो अब रेडी है हम लोगों का भी डिनर बनके। तो अब हम लोग करेंगे डिनर जब भैया लोग आ जाएंगे, बिकॉज भैया लोग भी पहुंचने वाले हैं तो साथ में करेंगे डिनर। सो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं जय और जिया भी। कितने बजे निकले तुम लोग वहाँ से? 7:10 अच्छा। तो फ्रेंड्स जय और जिया लोग हल्द्वानी से आ रहे हैं और कल सुबह जाएंगे पठानकोट। कितने बजे निकलोगे सुबह? पता नहीं 3-4 बजे तक। उठ जाओगे इतने जल्दी? हाँ उठना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं रात के 9 और जय और जिया लोग भी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी अपनी नानी के घर से यहाँ। और अभी हम लोग सब साथ में कर रहे हैं डिनर। तो फिलहाल हम लोग करेंगे अपना डिनर। सो फ्रेंड्स डिनर वगैरह करके अब भैया लोग भी हो चुके हैं रेडी पठानकोट जाने के लिए। पहले भैया लोगों का प्लान था मॉर्निंग में जाने का, बट अब प्लान चेंज हो गया है तो भैया लोग अभी निकलेंगे पठानकोट को। तो अभी जिया बना रही है गाड़ी में ओम और स्वास्तिक। सो फ्रेंड्स जाने से पहले अब मम्मी लगा रहे हैं सबका टीके पीठे। सो फ्रेंड्स जय जिया और भाभी भैया सब रेडी हैं अब चलने के लिए पठानकोट और साथ में है मम्मी, लेकिन मम्मी घर पर ही रहने वाले और भैया लोग रेडी हो चुके हैं चलने के लिए पठानकोट। ओके बाय बाय हैप्पी जर्नी हम लोगों को।
सो फ्रेंड्स, अब भैया लोग भी जा रहे हैं पठानकोट को, रात को ड्राइविंग करेंगे बिकॉज दिन में काफ़ी धूप हो जाता है, काफ़ी गर्म लगता है, तो इसीलिए भैया लोग ठंडे ठंडे में ही ड्राइव कर लेंगे। बाय 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 बाय। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं रात के 11 और भैया लोग भी चले गए हैं पठानकोट को। तो पहले तो भैया लोगों का प्लान था कि मॉर्निंग में निकलेंगे, बट क्योंकि आजकल मौसम का भी कोई भरोसा वगैरह नहीं है, कल भी काफ़ी आंधी वगैरह आई थी, तो अभी फ़िलहाल मौसम ठीक था, इसीलिए भैया लोग भी अभी डिनर करके निकले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी करूँगी अपना आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज़ शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।